नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, और फार्मिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो हैगी होगी वो फुल फार्म यहाँ पर रीडिंग आपके सामने करेंगे हम, और हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने यहाँ पर हैंड अपना भेजा है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने जो समस्याएं हैं यहाँ पर अपने हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर अपना हैंड जो है वो नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हर टाइम हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप वहाँ जाकर चेकआउट ज़रूर करा करें। और अगर कोई परेशानी है आपकी, आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं और अपनी समस्याएँ यहाँ पर बता सकते हैं। तो फार्मिस्ट्री रिलेटेड हर वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस हैंड का पूरा एनालिसिस करेंगे हम, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिंगर्स से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, और लास्ट में सबसे लाइनों को चेक करेंगे। तो साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। तो चलिए इस तरह हम पूरे हैंड का एनालिसिस कम्प्लीट करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी फिंगर्स को यहाँ पर चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर कलर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं हथेली का जो साइज़ है बिल्कुल स्क्वायरिश यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्क्वायरिश। तो एक तो बात है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, और थिकनेस भी आपको दिख रही होगी, काफ़ी ज़्यादा थिकनेस यहाँ पर है, और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना यहाँ पर रहने वाला है। और फिंगर के ऊपर हल्की हल्की खड़ी लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी। तो बाहर जो स्पोर्ट है इनका, फैमिली का ले सकते हैं, कह सकते हैं कि साथियों का सपोर्ट है वो पूरा है, और हाथ में थिकनेस काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। और जो हाथ है, हथेली है, बिल्कुल स्क्वायर है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके फिंगर्स से। फिंगर क्या बता रही है इनकी, जो फिंगर है देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, जो फिंगर्स की लेंथ है काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही होगी। सभी फिंगर जो हैं बिल्कुल सीधी हैं, कोई टिल्टेशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और पर यहाँ पर फिंगर्स में आपको गैप नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर गैप, और इन स्थान पर यहाँ पर आपको हल्का हल्का गैप यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर यहाँ पर गैप नज़र आता है तो थोड़ा सा बंदा जो व्यक्ति होता है थोड़ा सा ज़िद्दी होता है, और लेकिन जो अपने फैसले लेता है काफ़ी हद तक जो अपने फैसले लेता है वो स्वयं लेता है, खुद ही फैसले करना ऐसी नेचर में ऐसे जातक की होती है। लेकिन ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये मैं इस पॉइंट को अच्छा मानता हूँ। तो जो अपने फैसले होंगे ये खुद ही ज़्यादा लेंगे, और थोड़ा सा ज़िद्दीपन ऐसे नेचर में व्यक्ति के होता है। तो चलिए देखते हैं फिंगर्स क्या बता रही हैं सभी फिंगर्स। तो देखिए पहले मैं चेक करूँगा इनकी जो बृहस्पति फिंगर है, कोई टिल्टेशन नहीं है, तो इनके अंदर जो जो बृहस्पति के गुण हैं बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन आपको देख पा रहे होंगे जो सन की फिंगर है काफ़ी यहाँ पर लंबी है, और जो फर्स्ट वेलेंस जो हम कहेंगे बृहस्पति के साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ पर बृहस्पति से भी हाई सेट है, और सभी माउंट जो हैं हाई सेट हैं, कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट नहीं मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है कि अगर माउंट्स अच्छे होते हैं, फिंगर अच्छी होती हैं, ख़ास तौर पर जो सूर्य की फिंगर अच्छी होती है, तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी के चांसेस होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को सरकार का सपोर्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलता है, और ऐसे व्यक्ति में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी पाई जाती हैं। तो इस व्यक्ति में भी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, और थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी भी कमी नहीं है क्योंकि फिंगर काफ़ी ज़्यादा छोटी यहाँ पर नज़र नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि माउंट्स को चेक करके कौन कौन सी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें हैं इनके हाथ में, और आप यहाँ पर नज़र डालिए यहाँ पर जो शनि की फिंगर है कितनी लंबी है। देखिए कोई टिल्टेशन नहीं है, शनि की फिंगर लंबी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि फिंगर्स अगर नुकीली हैं और पॉइंटेड हैं और लंबी हैं, हथेली का साइज जो है स्क्वायरिश है, तो ऐसे जातक को यहाँ पर 80% चांसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब मिलने के। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी तरह पर जुड़े होते हैं, और गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलता है। तो इस हाथ में भी मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे पॉजिटिव इनका जो प्लस पॉइंट है, इनका जो शनि की फिंगर कितनी लंबी है, तो ये भविष्य में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पैसा, ये कह सकते हैं कि जोड़ें
जोड़ सकते हैं ऐसा पर्सन, और जो ऐसा व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि हर काम को समय पर करना या फिर थोड़ा सा नियम का काफ़ी ज़्यादा पाबंद ऐसा व्यक्ति होता है। तो देखिए आगे मैं बात करूंगा इनके बुध की फिंगर्स की। बुध की फिंगर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट बैलेंस को अप्रॉक्स यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो इनके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है कि बोलने में कोई शर्माता हो ऐसा पर्सन, या फिर बात करने में कोई ऐसे झिझकता हो डरता हो, ऐसा कोई मुझे कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर लो सेट यहाँ पर माउंट नज़र आ रहा है, तो थोड़ी सी कमी इनमें रह सकती है। बिजनेस क्वालिटीज़ कम रहती हैं ऐसे पर्सन में, तो अगर बिजनेस में ये व्यक्ति जाता है तो थोड़ा ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर नहीं मिलती है। और थंब भी बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पर, थंब यहाँ पर ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थंब साइज़ में छोटा है, मतलब थोड़े से डिसीजन जो ऐसा व्यक्ति होता है जल्दबाजी में व्यक्ति ले लेता है। लेकिन ज़्यादा कमी नहीं है, ज़्यादा यहाँ पर फिंगर छोटी नहीं है, तो थंब है। लेकिन ऐसी क्वालिटीज़, हल्की सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं ऐसे पर्सन में जब वो थोड़ा सा जल्दबाजी में फैसले अपने लेता है। तो ये तो बात ही फिंगर्स की, हम बात करते हैं, चलिए अब हम माउंट्स को चेक करते हैं, माउंट्स इनके बारे में यहाँ पर क्या बता रहे हैं। तो देखिए आपको सभी माउंट्स, कोई भी माउंट्स यहाँ पर दबा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। देखिए बृहस्पति माउंट आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए बृहस्पति माउंट कितना यहाँ पर कह सकते हैं कि उभरा हुआ है, और इनके अंदर जो बृहस्पति की कमियाँ थी, जो फिंगर यहाँ पर सन से छोटी हो रही थी, उस कमियों को यहाँ पर पूरा कर रहा है। तो जो मैरिज लाइफ होने वाली है काफ़ी अच्छी इनकी रहेगी, और मैरिज लाइफ हो गया या फिर कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन हो गया या फिर धर्म से जुड़ना इनके यहाँ पर नेचर में रहेगा, और कह सकते हैं कि मैरिज लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर रहने वाली है। तो देखिए मैं एक और हाथ यहाँ पर जो इनकी नेक्स्ट पिक्चर है उसमें आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें भी मैं दिखा दूँ, जो राइट हैंड की पिक्चर आपको नज़र आ रही है। देखिए इसमें भी यहाँ पर आपको यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही होंगी, हल्का सा क्रॉस भी बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर हल्का सा क्रॉस बनता हुआ नज़र आ रहा है, और जो माउंट है कितना ज़्यादा पॉजिटिव और कितना ज़्यादा फूला हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर साफ बताता है कि ऐसा व्यक्ति लाइफ टाइम प्रोग्रेस करता है, और उसका जो मैरिज लाइफ है उसकी मैरिज लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आगे फ्यूचर में यहाँ पर रहती है। तो चलिए जो हमारा एक्चुअल हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, उसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड जो है, इस पर भी आपको हल्का सा यहाँ पर जो साइन बनते हुए नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा साइन आपको बनता हुआ हल्का सा नज़र आ रहा होगा, जो यहाँ पर बताता है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐसे हाथ में रहती है। और ऐसा जातक जो होता है वो मैरिज तो उसकी अच्छी होती है, लेकिन उस मैरिज से काफ़ी ज़्यादा सक्सेस लाइफ में पाता है। चलिए ये तो माउंट की बात हो गई यहाँ पर बृहस्पति माउंट की, आगे हम बात करते हैं चलिए सूर्य माउंट की। सूर्य माउंट को हम देखते हैं, जो सूर्य माउंट देखिए आप यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लाइनें भी हैं ऐसी आपको दिख रही होंगी हल्की सी। और सूर्य का माउंट जो है वो मैंने आपको बताया कि सूर्य की फिंगर कितनी अच्छी थी, कितनी लंबी है। तो सूर्य की क्वालिटी सभी हैं, और ऐसे जातक को यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो होते हैं, साथ में अगर ऐसी कोई कला हो या फिर ऐसी, चलिए हम इस हैंड को चेक करते हैं, इस हैंड में क्या है देखते हैं। सूर्य माउंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, देखिए यहाँ पर लाइनें ऐसी नज़र आ रही हैं हल्की सी, जो थोड़ा सा यहाँ पर फिश का शाइन बनाती हुई नज़र आ रही है। तो ओल्ड एज में जाकर अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 40 से लेकर 45 के बीच में ऐसे जातक को फेमस मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, या फिर सोसाइटी में ऐसा जातक जो है वो नाम फेम बनाता है ओल्ड एज में जाकर। लेकिन अभी यहाँ पर कोई ऐसी फेम की लाइन मुझे नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है ऐसे पर्सन में काफ़ी अच्छी रहती हैं। चलिए एक्चुअल हाथ में हम बात करते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे हम जो शनि के माउंट की है। शनि का माउंट देखिए, शनि का माउंट आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर लाइनें भी नज़र आ रही होंगी आपको, देखिए यहाँ पर लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, और माउंट भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिंगर्स अच्छी हैं तो माउंट्स भी अच्छे हैं, तो इनके हाथ में जो थिकनेस है काफ़ी अच्छी है। और थिकनेस वाला ऐसा व्यक्ति जो होता है कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, जो वो सरकार से जुड़ेगा या सरकारी धन कमाएगा, ऐसे जातक को काफ़ी हाथ में मैंने देखा है कि जिस हाथ में जो थिकनेस अच्छी होती है, माउंट्स अच्छे होते हैं, ऐसा जातक जो होता है वो सरकार से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव यहाँ पर रखता है। तो चलिए इनका जो माउंट्स है, सनी माउंट जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर नेगेटिविटी किसी माउंट में मुझे नज़र नहीं आ रही है।
लेकिन बात करूंगा कि जो लाइनों में है थोड़ी दिक्कत आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो माउंट्स हैं कोई दिक्कत वाले नहीं हैं और जो भविष्य में काफ़ी ज़्यादा पैसा ही अर्न करने वाले हैं, क्योंकि माउंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मेनली यहाँ पर मैं शनि का माउंट जो कहूँगा पॉजिटिव है। और आपको यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर बुध का माउंट आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा, बहुत जो मैंने आपको बताया कि सभी माउंट्स यहाँ पर अच्छे हैं। थोड़ा सा लो सेट है तो थोड़ा सा बिजनेस क्वालिटी की कमी रह सकती है, ऐसा व्यक्ति जो होता है बिजनेस में सक्सेस नहीं पाता है, लेकिन जो माउंट है उभरा हुआ है। इस पर कोई ऐसा साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो मैं आपको बता सकूं, लेकिन माउंट अच्छा है तो जो जो इस माउंट की क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। जैसे हम बात करने का ढंग हो गया, या फिर किसी भी बात को यहाँ पर सही तरीके से पेश करना हो गया, तो ऐसी क्वालिटीज़ ऐसे जातक में रहती हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इनके जो यहाँ पर शुक्र माउंट की, शुक्र माउंट के बारे में यहाँ पर क्या बता रहा है। देखिए शुक्र माउंट बिल्कुल डेवलप है, देखिए शुक्र माउंट आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, और कितनी स्पेस ली हुई है, जो इनकी लाइफ लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर शुक्र माउंट को दे रही है, और इसकी आपको खड़ी लाइन यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ऐसी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि ये लाइनें काफ़ी पॉजिटिव मानी जाती हैं, ऐसे जातक को जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, या फिर वो प्रोफेशन में हो, या फिर वो पैसा कमाने के लिए हो, या फिर किसी भी काम में काफ़ी ज़्यादा मौके यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक भी लाइन यहाँ पर ऐसी नहीं नज़र आ रही होगी, तो चिंताएं कम हैं, चिंताएं इतनी ज़्यादा नहीं हैं, चिंताएं कोई फिक्र यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खड़ी लाइनें हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देंगी, और उन यहाँ पर मौक़ों को ये अच्छी तरह यहाँ पर ग्रैब कर पाएगा ऐसा जातक। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हाथ है, और कह सकता हूँ कि ऐसे जातक जो होते हैं वो शुरू से ही कह सकते हैं कि शुरू से ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे जातक के सिर पे आ जाती हैं। लेकिन ऐसा जातक जो होता है वो 30 तक उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, हर सुख सुविधाएँ ऐसे जातक के पास होती हैं। ऐसे शुक्र माउंट जो होता है देखिए कितना उभरा हुआ है, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको लालिमा भी दिख रही होगी, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। थोड़ी शुक्र माउंट को हम अगली पिक्चर में भी देख लेते हैं इनके, अगली पिक्चर में आए यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको यहाँ पर जो शुक्र माउंट है कितना ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। देखिए यहाँ पर खड़ी लाइनें हैं, सिर्फ खड़ी लाइनें ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शुक्र माउंट अच्छा है, और लाइफ में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधाएँ इनकी आने वाली हैं। अप्रॉक्स 30 तक लाइफ में किसी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम इनका चंद्र माउंट चेक करते हैं, चंद्र माउंट इनके बारे में क्या कह रहा है। देखिए मैं आपको एक स्पेशल साइन बनाता हूँ किसी हाथ का। देखिए अगर आपका शुक्र माउंट अच्छा है, अगर आपका चंद्र माउंट अच्छा है, और बीच में यहाँ पर आपको गैप सा नज़र आ रहा होगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर थिकनेस, मतलब आप हथेली अंदर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही होगी, तो ये डेफिनेटली एक साइन मान के चलिए ऐसा जातक जो होता है सरकारी धन काफ़ी ज़्यादा अर्जित यहाँ पर करता है। किसी भी हाथ को आप देख लें, किसी भी हाथ को अगर ऐसी शेप बन रही है तो ऐसा जातक जो होता है सरकारी धन काफ़ी ज़्यादा अर्जित करता है, और आने वाले टाइम में उसका जो पीरियड जो होता है वो 32 से लेकर 40 एज तक काफ़ी ज़्यादा धन यहाँ पर अर्जित करता है, काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधाएँ यहाँ पर अर्जित करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हाथ में माना जाता है। जो इनका यहाँ पर मेनली अगर मैं चंद्र माउंट की बात करूँ, चंद्र माउंट आपको दिख रहा हो कितना उभार लिए हुए है, इसके ऊपर हल्की सी लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी जो बताती हैं कि हल्का फुल्का यहाँ पर यात्राएँ इनकी लाइफ में रह सकती हैं, लेकिन ज़्यादा यात्राएँ नहीं हैं, और जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा शांत, और काफ़ी ज़्यादा मन जो है शांत यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस माउंट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो ये सभी माउंट्स को मैंने देख लिया है, कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है सभी माउंट्स में। थोड़ा सा यहाँ पर बुध का माउंट है वो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा था, लेकिन जो अप्रॉक्स यहाँ पर जो सक्सेस के लिए माउंट्स होने चाहिए वो बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे हम चेक करेंगे इनके लाइने को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकी लाइफ लाइन से, लाइफ लाइन हम चेक करेंगे। देखिए लाइफ लाइन आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से जाती हुई, ऐसी यहाँ पर फिश की स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ बन रही है, और ये जो फिश का साइन है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है जातक को। अगर किसी भी जातक के हाथ में ऐसा फिश का साइन बनता हो,
वो भी लाइफ लाइन के साथ। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ओल्ड एज में जाकर काफ़ी ज़्यादा धन और काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर अर्न करता है। और अगर ऐसा जातक अगर कोई लॉटरी वगैरह कटाता है या फिर ऐसी चीज़ों में जाता है तो ऐसे जातक को इन चीज़ों में भी सक्सेस मिलती है। तो ये जो फिश का साइन है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हाथ में माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे लाइनों को चेक करते हैं। देखिए इस एज तक इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहे होंगे, मतलब बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई होंगी या फिर ऐसी बीमारी हुई होगी या फिर ऐसे सेहत से जुड़ी यहाँ पर कुछ परेशानियाँ रही होंगी। देखिए मैं थोड़ा सा जूम आपको करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर अप्रॉक्स कह सकते हैं कि इसको हम एज मान सकते हैं कि 10 से 14, 10 से 15 के बीच में। उसके बाद लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रही है, इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर आपको हल्के से यहाँ पर ऑफशूट नज़र आ रहे होंगे, देखिए यहाँ पर हल्के से ऑफशूट नज़र आ रहे होंगे, जो बताता है कि इस एज में जाकर इनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है। कम से कम आपको एज अगर माने तो 80 से लेके 22 तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौके इनको आगे बढ़ने के मिले हैं और उसके बाद भी मिलते रहेंगे। उसके बाद हल्के फुल्के यहाँ पर ऑफशूट यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आपके। और इनकी लाइफ अगर प्रिडिक्ट करूँ मैं, लाइफ यहाँ पर आपको दिख रही होंगी और जो लाइफ लाइन है वो कुछ ऐसी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, मतलब अंदर की तरफ। तो परिवार से जुड़े हुए इंसान हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक और परिवार से यहाँ पर दूर रहने वाले नहीं हैं। और जो परिवार का सपोर्ट है वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। और बचपन से इनका माँ बाप का सपोर्ट में हो या फिर शादी के बाद पति का सपोर्ट हो या फैमिली का सपोर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर मिलने वाला है। तो लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अगले जो हाथ की लाइफ लाइन को हम चेक कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र आ रही है कि नहीं। हाँ तो वैसे ही है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इनके जो है कैरियर लाइन को यहाँ पर चेक करते हैं। जूम मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए आपको कैरियर लाइन नज़र आ रही होगी, हल्की सी बन रही है। देखिए यहाँ पर एक कैरियर लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही होगी और एक कैरियर लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। डबल यहाँ पर कैरियर लाइन बताती है। ये मान के चलें कि अगर किसी के हाथ में एक भाग्य रेखा तो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति अगर भाग्य रेखा हो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सक्सेस पाता है, उसका जो कैरियर होता है सही होता है। लेकिन अगर डबल भाग्य रेखा हो तो उसका रिजल्ट तो उसमें सोने के सुहागे की यहाँ पर बात हो जाती है। और ऐसे जातक कह सकते हैं कि लाइफ में सिर्फ प्रोग्रेस करने के लिए आया होता है और ऐसे जातक को प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है। या फिर किसी भी हाथ में ऐसे लाइन पाई जाए आपको भाग्य रेखा डबल, तो ऐसा जातक को हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है, उसका कैरियर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है और शुरू से ही वो ऐसे किसी प्रोफेशन में चला जाता है जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धन यहाँ पर अर्जित करता है। तो चलिए हम जो राइट हैंड है उसमें भी हम देख लेते हैं। देखिए आपको इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए जैसे मैंने आपको कहा था इस हाथ में भी नज़र आ रहा होगा। देखिए एक भाग्य रेखा ये रही और एक दूसरी भाग्य रेखा पर ऐसे यहाँ पर जा रही है, तो डबल भाग्य रेखा इनके हाथ मुझे नज़र आ रही है, जो यहाँ पर बिल्कुल इंडिकेट करती है कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस ये करने वाली हैं या फिर करने वाले हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है और ओल्ड एज में जाकर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करने वाले हैं और दो भाग्य रेखा किसी की हथेली में है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम चेक करेंगे इनकी माइंड लाइन और उसके बाद हार्ट लाइन को यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए थोड़ी सी गड़बड़ अगर नज़र आ रही है मुझे हॉट लाइन में इनकी नज़र आ रही है, आपको दिख रहा होगा हॉट लाइन में यहाँ पर गड़बड़ आपको नज़र आ रही होगी। देखिए हॉट लाइन की ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में बन रही है ऐसे, और यहाँ पर आपको देखिए आइलैंड बन रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है और कुछ यहाँ पर थोड़ा फ्लटी नेचर के तो हैं, ऐसे जातक का थोड़ा सा फ्लटी नेचर होता है, थोड़ा सा यहाँ ऑफशूट आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये आइलैंड थोड़े सही नहीं माने जाते और ये जो आइलैंड यहाँ पर बन रहे हैं यहाँ पर कम से कम मान के चलिए 38 और 55 की एज में ये आइलैंड यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस एज में जाकर थोड़ी सी परेशानी इनको रहेगी, कह सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं इस एज में जाकर 38, 55 या 40 के बीच में इस एज में जाकर थोड़ी सी परेशानी इनको रह सकती हैं। और जो माइंड लाइन यहाँ पर जो हॉट लाइन आपको इनके बारे में बता रही है तो ये बताती है जो नेचर है बिल्कुल यहाँ पर इमोशनल
कह सकते हैं, और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा इमोशनल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और हल्का फुल्का यहाँ पर कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, लेकिन जो हथेली का जो साइज है और जो हार्ट लाइन यहाँ पर बन रही है, बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर थोड़े से इमोशनली नेचर के नज़र आ रहे हैं। दूसरे हाथ में हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़े से इमोशनल व्यक्ति ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो इस हाथ में भी आपको यहाँ पर आईलैंड बनते हुए नज़र आ रहे होंगे, इससे जी देखिए इस एज में और इस एज में, तो दोनों हाथ में सेम ही है। तो आपको ये मान के चलें कि जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं 35 से लेके 40 और उसके बाद 55 एज में यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे, ये कन्फर्मेशन यहाँ पर है। तो चलिए आगे हम चेक करते हैं इनकी माइंड लाइन को, माइंड लाइन के बारे में यहाँ पर क्या बता रही है। देखिए जो माइंड लाइन है आपको ऐसी नज़र आ रही होगी, ऐसी नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसा जातक अगर माइंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसा जो जातक है थोड़ा सा ज़्यादा सोचने और समझने वाला होता है, और किसी भी फैसले को थोड़ा सा डीप जाकर सोचने में ये विश्वास रखते हैं, और किसी भी अगर कोई भी फैसला लेना हो तो ऐसा जातक जो होता है वो बिल्कुल सोच समझ के लेता है, और थोड़ा सा ज़्यादा ये ऐसा व्यक्ति सोच विचार में लगा रहता है, और जो माइंड है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अगर राइटिंग वगैरह करना चाहे तो ऐसे इसमें भी ज़्यादा यहाँ पर सक्सेस मिलती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इनके पॉजिटिव साइंस क्या हैं। देखिए इस हाथ में मुझे यहाँ पर जो है मनी ट्रायंगल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है, और जो मनी ट्रायंगल था काफ़ी बड़ा यहाँ पर मुझे नज़र आया। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मनी ट्रायंगल, देखिए जो एक हेल्थ लाइन यहाँ पर चल रही है, और उसके साथ एक कैरियर लाइन जो है उसके साथ, और एक माइंड लाइन। तो ये जो मनी ट्रायंगल है इनको ओल्ड एज में जाकर या फिर पूरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करवाएगा, और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर इनके लाइफ में होने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर हाथ की प्रेडिक्शन की बात करें तो जो हाथ है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हॉट लाइन में दिक्कतें थी मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन जो हेल्थ लाइन है बिल्कुल सही है, हॉट रिलेटेड यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं उस एज में जाकर जहाँ पर मैंने यहाँ पर बताई है। और आपको यहाँ पर यव का साइन भी बनता हुआ नज़र आएगा, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर यव का साइन आपको बनता हुआ नज़र आएगा, जिसको हम बुधा आइज बोलते हैं। तो ऐसा जातक जो सिक्स सेंस होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, अगर कोई घटना होनी हो तो इनको थोड़ा सा पहले आभास ऐसे जातक को हो जाता है, और ऐसे जातक जो क्वालिटीज़ होती है फ्यूचर में और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं अपने प्रोफेशन से। तो ये जो बुधाई है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर माना जाता है, तो इस हाथ में भी बन रहा है और इस हाथ में भी आपको बुधाई यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। देखिए तो ऐसे जाता कि सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी यहाँ पर रह रही है, तो नेगेटिव साइन कम है इस हाथ में, पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और थोड़ा सा यहाँ पर जिद्दी स्वभाव मुझे नज़र आया, और यहाँ पर हॉट लेन में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन और भी यहाँ पर कोई साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे नेगेटिव। तो ओवरऑल यहाँ पर हाथ अच्छा है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को पामिस्ट्री से वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।